नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोविड काल के दौरान देश की क्या स्थिति बन गई थी। जहां एक ओर लोग घर से निकलने से डर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मसीहा बनकर चिकित्सकों के द्वारा इस महामारी के दौरान कई मासूमों की जान बचाई गई। दोस्तों, इसी क्रम में इंदौर के मेरियट होटल में दैनिक भास्कर समूह के द्वारा हेल्थ केयर अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शहर के 23 चिकित्सकों को हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन को मानव सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए हेल्थ केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सभी चिकित्सकों की प्रशंसा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में दैनिक भास्कर समूह के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर भरत अग्रवाल सहित दैनिक भास्कर समूह के अन्य गण मौजूद रहे। तो चलिए दोस्तों, आपको भी दिखाते हैं सम्मान समारोह की कुछ झलकें और जानते हैं अर्पित चोपड़ा जैन से कि उन्हें कैसा लगा इस अवार्ड को प्राप्त करके और आगे मॉडर्न होम्योपैथी में उनका क्या योगदान रहेगा। एक ऐसा काम कर रहा है जो अब हमारे जीवन का एक बहुत बहुमूल्य हिस्सा बन गया। जहां जहां दैनिक भास्कर अखबार का नाम आता है, वहां वहां सकारात्मकता का, पॉजिटिव एनर्जी का नाम भी अपने आप आ जाता है। आज दैनिक भास्कर अपने इसी सामाजिक सरोकारिता के मद्देनजर लेकर आया है हेल्थ केयर अवार्ड 2021, जहां इंदौर से प्रतिनिधि के रूप में चुने गए कुल 23 डॉक्टर्स को सम्मानित किया जाएगा और माननीय मंत्री जी अपने शुभ हाथों से उनको सम्मानित करेंगे। इसके पश्चात डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जो कि एमडी होम्योपैथी है, क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट है, आपको मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे। और आजकल आपने देखा होगा आयुष मंत्रालय भी इसी क्षेत्र में काम कर रहा है, क्योंकि कोई भी एक विधा अपने आप में पूर्ण नहीं है। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, तमाम सारी चिकित्सा की जितनी पद्धतियां होती है, क्या हम उनको लेकर मरीज को फायदा दे सकते हैं, ऐसा कुछ काम निश्चित रूप से उसमें होम्योपैथिक डॉक्टर का भी एक अलग योगदान होगा। मॉडर्न होम्योपैथी के आविष्कार से कर रहे हैं आप जटिल बीमारियों का सफल इलाज। चमत्कारी परिणाम देखकर कई लोग हैरान हैं कि होम्योपैथी भी एक बहुत कारगर चिकित्सा हो सकती है, जाकर लोगों को उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने का सवाल होता है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, ठीक है सर? मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी। मैं अपने सभी सीनियर डॉक्टर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और दैनिक भास्कर ग्रुप और एलएन ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। चूंकि आपने गुजारिश की है कि कोई ऐसा एपिसोड अपन शेयर करें जो आपके करियर में या किसी प्रैक्टिस में, जिनसे हम मेडिकल फील्ड से कैसे पेशेंट के लिए मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आप हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जो इंदौर की ही रहने वाली लड़की है आशिया अंसारी, जो कि GBM कैंसर, ब्रेन कैंसर से पीड़ित थी। दो बार उसका ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका था, क्योंकि ब्रेन कैंसर के पेशेंट्स को GBM की मोस्ट एग्रेसिव कैंसर के रूप में माना जाता है। और चूंकि एक बार ऑपरेट होने के बाद जब दूसरी बार ऑपरेट हुआ, तो ये पहले ही बता दिया गया था कि चूंकि GBM कैंसर है, वापस से बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो दूसरी बार के बाद ये तीसरी बार ऑपरेट करना लगभग असंभव होगा, या फिर हो सकता है कि हम किसी भी स्थिति में इसकी मदद नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एग्जैक्टली यही हुआ। दो बार ऑपरेशन करने के बाद जब तीसरी बार पेशेंट को रिकरेंस हुआ, तो उसके ब्रेन में GBM कैंसर की टोटल 3 गठाने वापस प्राप्त हुई, जो कि स्कैन में पता चला 5.5 सेंटीमीटर की पहली गठान, 2.5 सेंटीमीटर की दूसरी गठान, 2.5 सेंटीमीटर की तीसरी गठान। तो टोटल इन 3 GBM कैंसर के गठान के साथ, जब ये रिकरेंस के साथ, जब मेडिकल फील्ड में जब उम्मीद अपन किसी से पूछे, तो लगभग सब जगह से मना कर दिया गया कि बार बार क्रेनियोटोमी करना पॉसिबल नहीं होता, इसके लिए ज़्यादा कोई उम्मीद है नहीं। ऐसी स्थिति में जब उसके लिए पूरी स्थिति खत्म हो चुकी थी, मेडिकल साइंस लगभग होपलेस जैसी स्थिति में आ चुका था, आशिया अंसारी ने मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट के लिए हमसे कॉन्टेक्ट किया। मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लोग क्रिटिकल केस, सर्जिकल केस, कॉम्प्लिकेटेड केस, ऑटोइम्यून कैटेगरी के जो लाइलाज कैटेगरी के केसेस हैं, किडनी फेलियर के केसेस, जो सर्जिकल कैटेगरी के केसेस हैं, जिसमें लगभग मेडिकल साइंस काफी रिसर्च कर रहा है, उसमें हमने होम्योपैथी को ही मॉडर्नाइजेशन करके सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर एक मॉडर्न होम्योपैथी का नया कंसेप्ट प्रोड्यूस किया है, जिसमें हम लोग फास्ट ट्रीटमेंट देने के लिए स्ट्रॉन्ग पावर यूज करते हैं, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का। जो होम्योपैथी में भ्रांति है कि परहेज बहुत होता है, बहुत स्लो होता है, इसको हमने चेंज कर दिया। ये पेशेंट जब हमारे पास आई,
तो हमने जो 2 महीने का ट्रीटमेंट दिया, और ये मेरा ख्याल था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का, कि जो 5.5 सेंटीमीटर की गठान थी वो 1.25 सेंटीमीटर में आकर रिड्यूस हो गई, जो 2.5 सेंटीमीटर की 2 गठानें थी वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई। ये 2 महीने का जो ट्रीटमेंट प्राप्त हुआ उसके बाद का ये सिनेरियो था। 1 साल उस पेशेंट का ट्रीटमेंट और हुआ, और आज फाइनली 1 साल के बाद इस पेशेंट की जो 3 गठानें हैं पूरी तरीके से रिजॉल्व होकर आज मिस आसिया अंसारी इंदौर में रहकर GBM कैंसर स्टेज 4 का, जो कि मोस्ट एग्रेसिव कैंसर ऑफ द मेडिकल साइंस माना जाता है, उसमें स्वस्थ होकर मॉडर्न होम्योपैथी की देन से आज भी स्वस्थ जीवन जी पा रही है, जिसके बारे में हम लोग अपने हमारे जो यूट्यूब के चैनल हैं ऐसे जाकर आप उनके बारे में देख सकते हैं, उनके रिपोर्ट्स के आधार पर समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या देख सकते हैं। तो ये एक चमत्कार था जो किसी पेशेंट की जान बचाने के लिए शायद उस वक्त हुआ जब वो शायद मेडिकल साइंस से उम्मीद कर रही थी, और शायद यही हम डॉक्टर्स का काम है कि जहां से भी हो सके, संभव हो सके, किसी पेशेंट की फिजिकली कंप्लेंट को हम दूर करें, मेंटली उसके कॉन्फिडेंस को वापस लाएं, और सोशली उसको ठीक करके वापस समाज में खड़ा कर सकें। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज आप सबका सम्मान करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ, दैनिक भास्कर का भी आभारी हूँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हार्दिक आभार।